500 का बोया, परमेश्वर ने उसको भी दिखाया, एक ने 10 का बोया उसको भी दिखाया। आप क्या बोते हैं, आप क्या करते हैं, परमेश्वर जानता है। जो आप ऑनलाइन में भी बो रहे हैं, मेरा बैंक स्टेटमेंट का जो बैंक मैनेजर है ना मेरा, वो बेहोश हो गया एक दिन। मैंने कहा क्या हो गया, कह रहा यार आपकी बैंक स्टेटमेंट निकालूं कैसे। मैंने कहा एक दिन की दे दो। कहता एक दिन की, कह रहा मुझे एक साल लग जाएगा निकालते निकालते। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा यार उनको समझाओ ना। कह रहा एक ही बंदा, कह रहा एक रुपया, अगला फिर एक रुपया, फिर 10 रुपया, फिर एक रुपया, फिर एक रुपया। कहता इतनी लंबी पर्ची है, एक ही बंदा, कह रहा है 3 दिन लगातार एक, कोई 1 रुपया बोल रहा है, कोई 10 बोल रहा है, कोई 50 बोल रहा है। कहता कि आप, कह रहा मैं स्टेटमेंट कैसे निकालूं इतनी सारी। सारे बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा है कि आपने चाहे कुछ भी बोया है, लेकिन आज तक आपके दांत खट्टे हुए होंगे, लेकिन आज के बाद आपको कहना नहीं पड़ेगा, वचन है परमेश्वर का। अगर आप भविष्यता की बात को सुनकर आप वैसा कर रहे हैं, अगर आप कलाम को सुनकर वैसा कर रहे हैं, तो परमेश्वर आज आपको वचन के पढ़े जाने के ऊपर आपको आशीष दे कर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा दांत खट्टे उनके होंगे जिन्होंने जिंदगी में कुछ करके नहीं दिखाया परमेश्वर के लिए। अपने पड़ोसी को बोलो कुछ करके दिखा, हाथ मिलाओ उससे, बोलो कुछ करके दिखा। खैर लेकिन आकर लोग बोलते हैं पास्टर जी मेरे माँ पियो को पैसा ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अनपढ़ है। बुढ़ा कहता मैं अनपढ़ है, बुढ़िया कहती मेरे मुंह से जबाड़े जबाड़ा ही नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तो रसगुल्ला भी नहीं खा सकती। हालेलुया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप बोने वाले हैं, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर करे कुछ करके दिखाओ, आज रात मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। तैयार हो के नहीं, आज के बाद दांत खट्टे नहीं होंगे। एक औरत से मैंने पूछा, मैंने कहा तू दान क्यों नहीं डाल रही, 2 संडे से मैं तुझे देख रहा हूँ, जब मैं करनाल में था। कह रही आपने कहा जो दान डालेंगे उनके दांत खट्टे नहीं होंगे, कह रही मेरा दांत है ही नहीं। ऐसे लोग भी आते हैं भाई साहब, बहाना एकदम तैयार है उनके पास। ये नहीं कहते कि मैं पैसे नहीं लाया, घर भूल आया। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपने दांत खट्टे कराना चाहते हो, खट्टे कराओ। अगर मीठे कराना चाहते हो, तो एक टेस्ट मनी आएगी संडे के बाद, मिठाई लेकर आएगी। बोला हालेलुया। विश्वास है कि नहीं, क्योंकि बिना बोए किसान को आशीष नहीं मिलती, बिना बोए प्रतिफल नहीं आता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें आपके भेंट, आपके दशमांश की जरूरत है। हमें जगह जगह ब्रांचों में शेड डालने हैं। आगे गर्मियां आने से पहले ये टेंट का किराया देते, हम थक गए। हर चर्च में, ब्रांच में टेंट 3.5-3 लाख रुपए के किराए देने आसान नहीं है। जो लोग, अगर रेगुलर लोग भी अपना दशमांश 1 महीने रेगुलर दे दें, तो वो सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे, और इसी समय अपने हाथों में बीज पकड़ो। जो लोग कर्जे में है, कोई कैसी भी परिस्थिति है, आप हाथ में अपने बीज पकड़ो और इसी समय परमेश्वर को कहो, मेरे साथ कहो शाबाश। बोलो पवित्र आत्मा जी, मैं आज इस समय परमेश्वर तेरे चरणों में बैठकर आज ये बीज लेकर आया हूं, और मैं आज के बाद अपने पर कर्जा नहीं देखना चाहता परमेश्वर। बोलो आज मेरे साथ, मैं अपने ऊपर कर्जा नहीं देखना चाहता परमेश्वर। मैं फिर कह रहा हूं जो ऑनलाइन में है, फिर कहूं कि आज मैं कर्जा नहीं देखना चाहता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, जो लोग बोल रहे हैं, मैं इसी समय उन शैतानी ताकतों को जो इनके ऊपर मंडला रही थी, जो इनके पैसे को डबल नहीं होने दे रही, मल्टीप्लाई नहीं होने दे रही, जो बार बार नुकसान करा रही है, मैं इसी समय तेरे वचन के अनुसार मलाकी पुस्तक में जो लिखा कि मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा, दशमांश देने वालों के ऊपर से मैं इसी समय घुड़क देता हूँ, भाग यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनके पैसे को छोड़, भाग यीशु मसीह के नाम में। इनकी हेल्थ को छोड़, यीशु मसीह के नाम में। इनकी जॉब को छोड़, भाग यीशु मसीह के नाम में। जो बार बार नुकसान करा रही है, इसी समय भाग यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तूने मल्टीप्लाई किया परमेश्वर। आज से जो बीज और दशमांश दे रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इनका पैसा मल्टीप्लाई होने पाए परमेश्वर, और आज से इनके दांत खट्टे ना रहे परमेश्वर, मिठास के साथ भर जाए। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाए। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कि अब तुझे मीठा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो हालेलुया। आपके, आप मिठास से भर रहे हैं चर्च, आप आशीषों के साथ लौटेंगे। कितने लोग तैयार हैं आशीष लेने के लिए? हाँ, धर्मेंद्र, पास्टर धर्मेंद्र, ब्रांच राजपुरा। हाँ यस, गवाही के साथ बैठे।
जी जस हाँ हाँ कौन कौन था गुंगा बेरा हाँ हाँ बोलो बोलो पापा बोलो पापा बोलो पापा जोर से तारीफ करो जोर से देखो ये परमेश्वर है हाँ नेक्स्ट गवाई के साथ नेक्स्ट शाबाश शाबाश हाँ पैरालाइज इज गॉन अपने हाथों को उठाऊं शाबाश पूरी ब्रांच में आज प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए और पास्टर धर्मेंद्र ऐसे हाथ कर ले दोनों स्क्रीन की तरफ और इसी समय एक गुड न्यूज मिलेगा अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर का आत्मा छुए और बरकत दे आपको सुनो अपने हाथों को उठाओ पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर तू अनुग्रह कर और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज इसी समय परमेश्वर तेरा दया वाला हाथ बरकत वाला हाथ चंगाई वाला हाथ सुरक्षा वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे और पवित्र आत्मा जो भी कोई जाने अनजाने में कोई अपराध कोई गुनाह हुआ क्षमा करने और इसी समय परमेश्वर इसी समय मिराकल मनी होने पाए यीशु मसीह के नाम में मिराकल मनी होने पाए परमेश्वर जो भी कोई बीमार है इसी समय चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग दूत इसी समय परमेश्वर अनुग्रह करें यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा जो कोई बीमार है इसी समय आज पवित्र आत्मा इनके ऊपर दया वाला हाथ रख दे परमेश्वर चंगाई वाला हाथ रख दे यीशु मसीह के नाम में इसी समय स्वर्ग इनके लिए खोल दे यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन आपको आशीष मिल रही है बैठ जाऊं सुने ध्यान से जो भी कोई प्रॉब्लम में है उसको पीछे कैबिन में ले आ मैं प्रार्थना कर रहा हूं उधर हाँ सिर्फ वो जन शोर ना बचाओ इधर पीछे ले आ पीछे ले आ पीछे ले आ हाँ सब बैठ जाए शाबाश अपने स्थान पर पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे बेटे पीछे ले आ पीछे ले आ पीछे आइए सब इसी समय अपने सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर के वचन में जाएंगे सुनो सुनो हाँ हाँ सुन रहे हो अभी क्या हुआ पता है हैं क्या हुआ अभी क्या हुआ जिंदा हो गया सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ शाबाश आप सोना के नहीं अभी आपने मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर स्वर्ग दूत आए हुए हैं आपकी टेंशन लेने के लिए देखो मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर अभी आपके सामने गवाही है बैठ जाओ नीचे सिट डाउन आपके सामने यहां पर गवाही है कि चर्च में डेथ पेशेंट लाए और वो डेथ पेशेंट इज हील्ड आपको विश्वास करना है कैसे भी हो आप लेकिन मैं कह रहा हूं आपकी आस्था है यहां पर अगर आप विश्वास के साथ बैठेंगे कुछ नहीं होगा आपको आप आजाद हो रहे हैं और आशीषों को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में गुड न्यूज मिलेगा आपको आइए सब अपने सिर पे हाथ रखें शाबाश पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जो लोग इस समय तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर आज पवित्र आत्मा इनके मन की चिंताएं वो डिप्रेशन वो आज इसी समय सारी प्रॉब्लम्स इसी समय जाती रहे यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप यहाँ पर हैं परमेश्वर कोई और नहीं आप हैं यहाँ पर हर एक जन को आज विश्वास है कि परमेश्वर आप यहाँ पर हैं और आपका आत्मा यहाँ पर कार्य करे आज यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा जी आज तेरा वचन परमेश्वर 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना इनके दिमाग में परमेश्वर फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में इनके मनों को जगाए परमेश्वर आज और पवित्र आत्मा ये जैसे हैं वैसे ना रहे परमेश्वर आज से ये बदल कर जाएं इनके बैंक बैलेंस बदल जाएं आज से इनकी हर एक आशीष मल्टीप्लाई हो जाए आमीन बोलने वालों
मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपने जो सच में आज जीवन दिया लोगों को, जो यहाँ पर मिराकल किया, मैं उसके लिए थैंक्स करता हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। सब लोग जोर से तारीफ करो, बैठ जाएं, शाबाश, सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे, शाबाश। पवित्र आत्मा आशीष दे आप सबको। हाँ जी, हाँ जी, जो लोग वचन के अनुसार जो अपनी जिंदगी में चलना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, जल्दी से एक कोर्स गाएंगे और इसी के अंदर हम बीज लेंगे, बीज बीज लेंगे, शाबाश। आज जग पावे, आज बोलो 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 बोलो, मेनू छड्ड जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डणा, सारा जग पावे, मेनू छड्ड जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डणा। अबला बा शबला बबला बा शबला बबला बा शबला बा, हा हा हा, गाओ गाओ, शाबाश। तेरा पल्ला नहीं हो छड़ना, बैठ कर बोलो। दुख बड़ा ही अजूब ते आया सी, सारा बदनी उधर घोड़िया ने खा। हा हा हा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ यस, गवाही के साथ। कहाँ की ब्रांच है? मोगा, हाँ हाँ, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी अपने हाथों को उठाऊं गवाही के साथ, जल्दी से। हाँ शाबाश, कौन सी ब्रांच है? जल्दी फटाफट गवाही के साथ। हाँ पतरस, खा खा के मोटा हो जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके ब्रांच को आशीष दे। अपने हाथों को उठाओ ब्रांच, और इसी समय देखो जो इस ब्रांच में आ रहा है और पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है, मैं तेरे हाथों पर आशीष दे रहा हूँ। अपने हाथों को ऐसे करो पास्टर पतरस, और ऑयल लगाकर खड़े हो जाना। ऐसे लोग तेरे हाथों पर हाथ रखते हुए जाएंगे आज चर्च के अंदर वचन सुनने के बाद, और इनके मैं कह रहा हूँ फ्यूचर खुलेंगे, बैंक बैलेंस खुलेंगे, जो बीमार होगा चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, वो अनॉइंटिंग इसके हाथों पर ट्रांसफर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, इसी समय रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय अभिषेक, इसी समय छुए, टच, यस, रिसीव, और इसी समय पवित्र आत्मा तेरी ब्लेसिंग इसके ऊपर इसी समय खुले आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इस चर्च में पवित्र आत्मा बढ़ोतरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, शाबाश। अपने हाथों को उठाऊं, बोलो बोलो।
बोलो, सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग अभी इधर शोर मचा रहे थे पहले बताओ। मैं प्रचार करने लग रहा हूं और इधर शोर आ रहा है इधर से। आप पता है कहां पर आए हो, क्या हुआ? हाय मर गया मर गया। आप संसारिक नहीं हो, आप आत्मिक लोग हो। आज का प्रचार भी यही है। मैं प्रभु का धन्यवाद कर रहा था कि परमेश्वर मैं इनको प्रचार सुनाऊं, उससे पहले थोड़ी टेस्ट मनी बना दे इनकी। सारे बोले हालेलुया। तो परमेश्वर है ये। मैं फिर कहता हूं आपको चिंता नहीं करना, लाइव में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बाइबल के वचन के अनुसार बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आदेश दिया है कि जाओ तुम दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को आजाद करो, बीमारों को चंगा करो, अगर कोई मुर्दा भी हो जाएगा जिंदा हो जाएगा। यस आमीन। आपको विश्वास करना, आपके सामने लेटेस्ट गवाही है यहां पर, अभी सुना रहा हूं। यस। अभी उसको मैंने कहा थोड़ा सा रोटी खिलाओ पानी पिलाओ और उसको लेकर आओ बाहर। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। कृपा कृपा तेरी जानता यीशु बख्शनहारा। विश्वास करेंगे आप ऐसे प्लेस पर नहीं आए, आप एक अनॉइंटिंग प्लेस है। परमेश्वर सुनता है, आपकी चिंताएं समाप्त करता है परमेश्वर। विश्वास करना है। आइए इसी समय अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि शांति के साथ बैठ। अपने पड़ोसी को बताओ कि शांति के साथ बैठ जा। आज का वचन सुनेंगे सब लोग आशीष पाए जो वचन को सुन रहे हैं। निकालें फटाफट मत्ती चैप्टर उसका 6:31। हाँ जी हाँ जी, जल्दी से मत्ती चैप्टर 6:31 खोल कर रखें। शाबाश, बाइबल अपनी खोलें। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे। yes. आज कितने लोग चिंता में, यहाँ पर चिंता में किस किस को, लोगों को चिंता घेरती है, किस प्रकार की आप चिंता में हो? कोई ना कोई तो चिंता होगी। मैं गड्डी की किस देनी है, मैं मुंडे का ब्याह करना सी पैसे नहीं है के, कुड़ी का ब्याह करना सी पैसे नहीं है के, फ्रिज नहीं आया, एसी नहीं आया, तेज नहीं आया। आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं आई, किसी को यूट्रस में प्रॉब्लम है, किसी को गिल्टी है, कोई चिंता में है कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। हालेलुया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, चिंता संसार में सबको होती है, लेकिन आज अगर आप कैसी भी चिंता में हैं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग चिंता परेशानी में हैं कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। आपकी चिंताएं क्या है परमेश्वर जानता है। कह रहे क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे, लेकिन उन लोगों को आज पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कह रहे जो संसार में ज्यादा चिंता करते हैं, एक बात को ध्यान से सुनना, जो संसार में ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा वो लोग, हाँ हाँ, जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, मेरी तरफ देखो, मैं सुंदर नहीं लग रहा तुम्हें? इधर उधर कहाँ देख रहे हो? वो टेस्ट में नहीं आ रही, अभी सुना रहे हैं आपको। मैं क्या कह रहा हूं, जो लोग चिंता करते हैं, चिंता जो ज्यादा चिंता करते हैं, एक दिन शैतान उनको पकड़ता है। शैतान उसका पीछा करता है जो ज्यादा चिंता करते हैं। थोड़ी चिंता करने वाले कहीं पीछे नहीं पड़ता। आपको मैं टेस्ट मनी सुना रहा हूं, अभी यहां लेकर आओ नीचे, देखो आओ इधर लेकर आओ। शाबाश बस, हाँ हाँ हाँ, मैं इसको दिखाना नहीं चाहता, सिर पे कपड़ा रखो। सारे बोलो हालेलुया। मैं एक बात बता रहा हूं कि अभी आप वहां पर बैठे हुए इस भाई को देख रहे थे, इसको देख रहे थे, वहां पर शोर मच रहा था, इसको एक अटैक आया और ढेर हो गया, लोग कहने लगे डेथ होगी, बचा लो बचा लो बचा लो। मैंने सिर्फ उधर प्रार्थना करनी थी उस ब्रांच की, लेकिन कर इस ब्रांच की रहा था उधर मुकर के। कर उधर रहा था, मैंने कहा ध्यान मेरा इधर ही था। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, चिंता तुम तो चिंता लेके आते हो, सारा टोकरा मेरे सिर पर रख देते हो। तो मैं भी अपना टोकरा जो चिंता का है वो उसके ऊपर रख देता हूँ। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, कह रहे सुलेमान ने जब मंदिर बनाया तो उस दो खंबे तैयार किए और दो खंबे का नाम रखा, एक का नाम रखा यकीन और एक का रखा बोझ। कह रहे यकीन करो तुम्हारा बोझ चिंताओं का यीशु मसीह ने उठा रखा है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? जब मेरा चर्च बनेगा ना, मैं उस खंभों का नाम जरूर रखूंगा। yes.
जोन और बाहर रखूंगा बिल्कुल, जोन साए उसे पढ़ पढ़ कर आए, यकीन करो अंदर खंबे पर लिखकर पढ़ कर आएगा, यकीन करो ये लेंटर का बोझ इन दो खंबों ने नहीं तुम्हारे बाप ने उठा रखा है। आमीन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ सुनो, देखो ले आऊं इधर, हाँ देखो आपको सुना रहा हूं। ये बंदा भी वहां बैठा था, तीन बार मैं देख रहा था, वचन में अच्छे से सुन रहा है। अचानक प्रॉब्लम हुआ, ये बहन अभी रोले पा रही थी, प्रॉब्लम आ गई थी। अभी सुनो, देखो आपके सामने वहीं पर शब्द चिंता में आ गई थी, बेचारी क्या करे, पत्नी है ना, जिसके बच्चे जिसके परिवार के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ सुनेंगे, अभी सुन सुन बेटे सुन सुन, अभी क्या हुआ आपके सामने, लेकिन हाफ डेड हो गया। और यहाँ पर, और जैसे ही प्रार्थना हुआ, मैंने कहा चिंता ना करो, परमेश्वर यहाँ पर है। हालेलुया। आज मैंने पहली बार बोल रहा होगा कि एंजल यहाँ पर अंदर घूम रहे हैं और विजिट कर रहे हैं और कई लोगों के साथ बैठे हैं और जा रहे हैं। हालेलुया। और आपके सामने हैं, खड़ा होकर दिखाओ, शाबाश, खड़े हो जाओ, घबराओ नहीं, तेरे पर हाथ है यीशु मसीह का। चलो हालेलुया। जिंदा आपके सामने। हालेलुया। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, यू आर हील। आमीन। ओ तेरा पल्ला झुके, पल्ला झुके, पल्ला झुके, पल्ला तेरा पल्ला झुके। तारीफ करो चोर से, जाओ अपने पैरों से, जाओ शाबाश, जाओ चलो शाबाश, यू आर हील। हालेलुया। पल्ला झुके चंगी हो जावांगी यीशु जी, तेरा पल्ला झुके चंगी हो। ओ यार तू एनी एनी चिंता कर रहे हैं तो मैं भी ज्यादा टेंशन जा गया। माड़ा जा हंस के देखा, स्माइल कर, चुप कर, अपनी जान नूं क्या, मैं चंगा हो गया, हालेलुया। छड़ दे हुण, छड़ दे हुण गल्लां पुरानियां, परण हो जा एदी जनानी, तू रस्ता छड्डो, इहनूं जाण दो अपनी सीट ते, उत्थे छड्डो, आपे जाएगा, चलो छड्डो छड्डो। छोड़ो छोड़ो, कैमरा दिखा उसको, जा रहा है वो, देखो आप अपने पैरों से जा रहे हैं। हालेलुया। कौन है यहाँ पर? यीशु। तारीफ करो जोर से, तारीफ करो। पल्ला झुके, पल्ला झुके, पल्ला झुके, पल्ला तेरा पल्ला झुके, पल्ला झुके, पल्ला झुके, पल्ला तेरा। बोला हालेलुया। हालेलुया। आइए सब इस समय बैठ जाएं और परमेश्वर के कलाम को सुने, पवित्र आत्मा आशीष दे रहे, बोलो हालेलुया। अरे वो क्या नया हो गया, आप उसको देखी जा रहे हैं इधर देखो सारे, बोलो हालेलुया। वचन का समय, आपको वचन के टाइम आपको तैयार रहना है परमेश्वर के वचनों के लिए। आज कितने लोगों को चिंता है, हाथ उठाकर बताओ। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अगर आज यहाँ पर कोई भी चिंता में बैठा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज इनको जाकर कह दे, कह रहे आज के वचन के बाद, कह रहे घर जाते ही इनकी चिंता समाप्त हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। तुम घर प्यार नहीं रखोगे, वो जो टेंशन तुम दिमाग में लेकर आए हो वो खत्म हो रही है आज यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा उन लोगों की चिंताएं कभी नहीं हटाता। हो सकता है आज आप में से यहाँ पर कोई बैठा हो कि मेरी बेटी का घर बसेगा नहीं बसेगा, या फिर आप सोच रहे हो कि पता नहीं मेरा वीजा आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं मैं कोर्ट केस से आजाद होऊंगा कि नहीं होऊंगा। एक लोगों ने चिंताएं अपने दिमाग में खुद पाल रखी हैं, आपने अपने दिमाग में चिंताएं पाल रखी हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरा घर चलेगा, पता नहीं क्यों होएगा, पता नहीं क्यों होगा, पता नहीं क्यों। एक दिन तेरा पत्ता ही फिनिश हो जाना, ज्यादा चिंता करनी तो पत्ता ही फिनिश हो जाना। पता नहीं पता नहीं पता नहीं केड़ी हिंदी आंदी है, एक वर्ड खत्म नहीं होता। ये परमेश्वर है उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो ज्यादा चिंता करते हैं, उनके घरों में मैं कह रहा हूं कोई आशीष नहीं आती। वहीं बैठ जाऊं शाबाश। और आज उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा अगर तेरे चर्च में कोई चिंता कर रहा है तो पहले उसको बता कि तू कौन है। आज अपने पड़ोसी को पूछो, हाथ मिला, बोलो पूछो तू कौन है, कौन है तू। माँ पूछ रही है बेटी को कौन है तू, बेटी पूछ रही है माँ को कौन है तू, तू मुझे नहीं जानती। आप उसको बताओ कि हम परमेश्वर की संतान है, संतान। जो लोग इस बात को जानते हैं बाइबल के अंदर, अगर आप बोलते हैं मैं अब्राहम की संतान हूं, तो परमेश्वर आपको एक मिनट से ज्यादा टेंशन आपके दिमाग पर नहीं होने देगा, याद रखना। जिन लोगों को यह नहीं मालूम कि मैं अब्राहम की संतान नहीं हूं, मैं कह रहा हूं टेंशन उनको होगी, लेकिन अगर आपको मालूम है कि मैं अब्राहम की संतान हूं,
तो परमेश्वर आपकी चिंता यहाँ से गेट से निकलने से पहले हटाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, चिंता उनको होती है जो परमेश्वर की संतान नहीं है, जो शैतान की संतान है चिंता उनको होगी। अगर आप चर्च आ रहे हैं, आप इस बात के लिए समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जो नशा करते हैं, जो पाप के जीवन जी रहे हैं, मैं कह रहा हूं चिंता उनको हो सकती है। भाई साहब, आप कोई पाप नहीं कर रहे, आपको चिंता करनी नहीं, आप चिंता करने के लिए नहीं बनाए गए, चिंता हटाने के लिए बनाए गए हो। मैं कह रहा हूँ कि आज पवित्र आत्मा आपके घरों में से वो डिप्रेशन, वो चिंता, वो आज सारी चीजें भगाने वाला यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज चिंता भाग जाएगी? सारे बोलो हालेलुया। अगर आज आप चिंता में, तो विश्वास करें कि आज वो आपका परमेश्वर आपको दो रोटी के लिए तरसाएगा नहीं, वो थोड़ी सी मुट्ठी के लिए आपको तरसाएगा नहीं, थोड़ी सी चंगाई के लिए आपको तरसाएगा नहीं। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। जिस परमेश्वर को मैं 11 साल से जानता हूं, मैं जानता हूं कि वो बड़ा सामर्थी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अगर आप इतनी सी चिंता करते हैं, तो वो आपसे इतनी सारी चिंता करता है, वो आपका ख्याल करता है। लेकिन उन लोगों का, क्योंकि उसने जान लिया है, कह रहा है मैं किसका ख्याल रखूंगा, कह रहा है कि उसका, कह रहा है जो, कह रहा है परमेश्वर की संतान कहलाएगा, कह रहा है जो अब्राहम की संतान है। अगर आपके दिमाग में कोई अपने बच्चों के लिए चिंता चल रही है, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद खत्म होने वाली है, खत्म। अपने पड़ोसी को बोला यही छोड़ कर जाऊंगा सारी टेंशन। सारे बोला हालेलुया। आपके दिमाग में क्या टेंशन है, कर्जा उतरा नहीं उतरा, हीलिंग मिली कि नहीं मिली? अपने पड़ोसी को बोला तेरे घर छोड़ के जाऊंगा सारी टेंशन। किसके घर छोड़ के जाओगे? आपकी सास ने तो अपनी टेंशन आपको दे दी, अपनी लड़की आपके सिर भेज दी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आपकी जो टेंशन है, आज रात बोलो कि आज वो टेंशन हम यीशु को देकर जाएंगे। आज देके जाओगे कि नहीं? लिखा है बहुत से दबे आ रहे लोगों, करा मेरे पास आओ, मेरे करा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन जब आप मेरे पास आए नहीं, यीशु कहता विश्राम कैसे दूंगा? सारे बोले हालेलुया। अगर हलवाई कहे कि मेरी दुकान पर आओ मीठा खिलाऊंगा, लेकिन तुम वहां दुकान पर जाओ ना तो मीठा कहां से मिलेगा तुम्हें? तुम नाई की दुकान पे जा रहे हो, वहां मीठा मिलेगा, वहां बाल कटेंगे। और लोग जाते हैं इधर उधर, बाल कुतरवाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, इधर उधर जा रहे हैं और कुतरवा रहे हैं अपने बाल। आप समझ रहे कि नहीं? भेड़ इतनी गर्म होती है, भेड़ के इतने बाल होते हैं, अगर वो थोड़े नाक कुतरवाए तो वो मर जाती है। लेकिन इसलिए लोग संसार में बाल कुतरवा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? कहां कुतरवा रहे हैं? लेकिन अगर आप यहां पर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं विश्वास करो, परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा बोझ यीशु मसीह ने उठा लिया आज। आमीन। लेकिन फिर भी मसीहत क्या है? कह रहा है कि आज परमेश्वर उन लोगों के काम नहीं बनाता, उनको सालों साल लग जाते हैं चर्च में आने के बाद भी। आज ध्यान से सुनना, ये आपके लिए। मेरे से बहुत लोग आकर पूछते हैं, पास्टर जी आप प्रार्थना करते हो इतनी जल्दी, कैसे काम हो जाता है? वो सुन के जाना है आपने। आपने कभी मेरे को टेंशन में देखा स्टेज पर? हाँ देखा होगा, सिर्फ 5 मिनट, उसके बाद मैं टेंशन में नहीं होता। सारे बोलो हालेलुया। आप जब चर्च में आए हैं, तो समय आप टेंशन में ना रहें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ चलना भी नहीं चाहता। वो कह रहे हैं कि मैंने बुलाया है, ए बहुत से दबे हारे लोगों मेरे पास आओ। अगर मैं सांसारिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। आप प्रभु की संगति करते हैं, प्रभु का भय मानते हैं, लेकिन फिर भी हाय पता नहीं की होएगा, हाय पता नहीं की होएगा, हाय कुछ नहीं होना, तेने एक दिन बाय करना पड़ा, हाय क्या होगा क्या होगा। मैं कह रहा हूं जो ज्यादा चिंता करते हैं, परमेश्वर उनके साथ नहीं चलता। यहाँ पर बाइबल में पढ़ेंगे मत्ती के 6:31 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़े। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। सारे बोलो हालेलुया। ये बात मेन सीक्रेट लिखी यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा वचन, और यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि तुम चिंता करके ये ना कहना, ये ना कहना अपने मुंह से, ये ना कहना। सिर्फ इस लाइन को पढ़ा रहा हूं आपको कि चिंता करके आपकी सास आई बोली मर जानिए, सारे सारी औरतों नु बच्चा हो गया, साढ़े पिंड च तन्नू नहीं होया, पता नहीं कितों आ गई कुलखणी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको, मुझे हिंदी नहीं पता, नहीं क्या होती है, ऐसे बोलते हैं, कुछ वर्ड बोलते हैं। आपको चिंता दे रही है आपकी सास, हो सकता है आपके पड़ोस में कोई आपको चिंता दे रहा हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है लोग आपको चिंता दे रहे हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट आपको चिंता दे रही है, आपका बैंक बैलेंस आपको चिंता दे रहा है, इसमें 1 रुपया नहीं है, आपकी सैलरी नहीं मिली आपको चिंता दे रही है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये ना कहना,
हाय हुण मैं की खावांगा, हुण मेरा की होएगा। परमेश्वर उसी समय उस व्यक्ति के लिए, इसराइलियों के लिए जंगल जो है वो सिर्फ 11 किलोमीटर का था वो पार करना, लेकिन 40 साल लगा दिए जो 40 दिन में पार हो सकता था। आज बहुत सारे विश्वासी लोग, चाहे वो पास्टर है चाहे वो विश्वासी है, उनकी बढ़ोतरी इसलिए रुक जाती है क्योंकि वो हद से ज्यादा चिंता जब करने लग जाते हैं। बोला हालेलुया। आज हम प्रार्थना भी करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार एक व्यक्ति यूएस एम्बेसी में गया और एम्बेसी में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कहता, परमेश्वर बहुत मैं विश्वास करता हूँ तूने मैंने वीजा देता, परमेश्वर तेरे थैंक यू परमेश्वर, मुझे विश्वास है आप वीजा देंगे। और जैसे ही एम्बेसडर के सामने खड़ा हुआ वहाँ पर, और जिसमें उसकी टेंट है, हाय लगेगा कि नहीं, हाय लगेगा कि नहीं, हाय लगेगा कि नहीं, और उसका वीजा रिफ्यूज हो गया। बाहर आया और कह रहा, कोई अपनी जनानी ने कह रहा, तू मैंने चर्च लेके जाती सी, कोई प्रभु नहीं हैगा, कोई प्रभु नहीं हैगा। जानी कह रही तू प्रार्थना नहीं की, मैं प्रार्थना की। लेकिन उसके बाद जब वो अपॉइंटमेंट लेकर चर्च आए तो पवित्र आत्मा से मैंने कहा कि परमेश्वर क्या बात है। पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा कि ये वहां पर खड़ा हुआ कह रहा था, हाय पता नहीं लगेगा कि नहीं, होएगा कि नहीं, की होएगा पंजाबी में। मैंने कहा ये तेरी गलती है, लिखा यहाँ पर, कह रहा कि चिंता करके अपने मुंह तो ए गल ना कढ़ियो, पंजाबी च दस रहे हैं। हालेलुया। कह रहे चिंता आती है, लेकिन अगर आपने चिंता में ये कह दिया कि यार पता नहीं होगा कि नहीं, तो आपका काम नेगेटिव वर्ड्स आपके वहीं रोक देंगे उस काम को, और आप शैतान को अपने सिर पर बिठाते हैं। स्वर्ग दूत आपके सिर पर नहीं है, शैतान आपके सिर पर है। किसके? कह रहे क्रिश्चियन लोगों के, मसीह लोगों के। किसके? करे कौन? करे जब वो चिंता करके, प्रार्थना करने के बाद भी आप चिंतित हैं, चर्च आने के बाद भी आप चिंतित हैं, आप संडे के दिन यहाँ से प्रार्थना करके जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ थोड़ा वेट तो करो, घर तक जाने तक इंतजार तो करो, लेकिन रास्ते में ही बकबक करती रहती हैं, दो औरतें जा रही हैं बोलती हाय पता नहीं तेरा तो हो गया, साडा तो होया नहीं, ओदी तो गवाही बन गई, साडी तो बनी नहीं। अरे आपके बने ना बने, लेकिन आज रात मिराकल हो के रहेगा यीशु मसीह के नाम में। यही है हमारा विश्वास। विश्वास है कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है कोई माँ के पेट से नहीं लेकर आता विश्वास, विश्वास को मुंह से बोल कर बनाना पड़ता है। अगर आपको विश्वास को बिगाड़ना है तो वो शैतान को पता है, कहता है इनको थोड़ी सी बात कोई टेंशन करा दो और ये फट से मुंह से कुछ ना कुछ निकालने लगेंगे। अभी वो लेडीज ने बस एक ही बात नहीं बोली, हाय मेरा तो गया, हाय मेरा तो गया। अगर जो है कह दें कि हाय मेरा मर गया, तो मार मार जाना सी उन्हें। हाँ मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसने सिर्फ, उसने क्या इशारा किया पता है? उधर उसने सिर्फ इशारा इधर किया, प्रॉफिट प्लीज देख ले इधर, देख ले। ये बातें अच्छी हैं, जब आप चिंता आती हैं तो उसी समय आप प्रार्थना में जाएं। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, कह रहे कि आप, कह रहे कि अपनी लाइफ के अंदर, आप अपनी लाइफ के अंदर जब आप चिंता करते हैं तो परमेश्वर ने आपको चिंता करने के लिए नहीं बुलाया। चिंता अगर आप करते हो तो आप पहले मसीह में, जो पहले नहीं थे तो आप पहले कितनी चिंता करते थे, लेकिन आप मसीह में हो, आप देखो वो चिंता कितनी घट गई है, घट गई है कि नहीं? अरे घटी है कि नहीं? तो आपका वचन में आना और वचन में बने रहना जरूरी है। कह रहे यहाँ पर परमेश्वर ने एक दिन वहां पर देखा, मार्था आई और बोल रही थी, यीशु मसीह मेरा भाई मर गया, अगर तू जल्दी आ जाता मेरा भाई ना मरता, तू लेट क्यों आया? लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने डांटा मार्था को, कहा मार्था तू बहुत बातों में चिंता करती है। बोला कि नहीं? बोला कि नहीं, हाँ या ना? कह रहे तू बहुत बातों में चिंता करती है, इसका मतलब यीशु मसीह जानता था। कह रहे कि पवित्र आत्मा, कह रहे क्यों लेट आया, क्यों यीशु मसीह लेट आया? क्योंकि मार्था छोटी छोटी बात के लिए चिंता करती थी। अगर आज आप कह रहे कि आप चिंता कर रहे हैं कि मेरा घर अब तक नहीं बना, मैं कह रहा हूं कि इसलिए यीशु मसीह लेट आ रहा आपका घर बनाने के लिए। आमीन मत बोलो, चुप। कह रहा इसलिए, कह रहा आपकी हीलिंग अब तक नहीं हुई क्योंकि आप चिंता करते हैं ज्यादा। आपको सिर्फ प्रेयर करना है और उस रिपोर्ट पर हाथ रखना है कि परमेश्वर मैं तेरे दरबार में आया हूं और मैंने जो तेरे से मांगा है मुझे मिल गया है, आज गई चिंता। अपने अपने सिर को झाड़ो, बोलो गई चिंता। करो ऐसे, चलो गई चिंता। औरतों को तो पता ही है, सारा दिन सिर पे हाथ मारती रहती हैं, फिर भी नहीं शर्म आती, फिर भी टेंशन सिर पे पाल के रखते हैं। सारे बोलो हालेलुया। मैं अपने सिर में दिन में 10 बार हाथ मारता हूं, बाल नहीं बनाता मैं अपने, मैं बोलता हूं मेरे सिर पे चिंता बैठी ना जाए,
अगर आपने बिठा लिया, मैं कह रहा मुश्किल है। देखो एक चिड़िया आ रही है और जा रही है, अगर चिड़िया बैठ जाए और बीट कर दे तो प्रॉब्लम है। समझ रहे कि नहीं? कुछ विचार आपके दिमाग में आते और जाते हैं, वो चिंता नहीं है। कर आ रहे हैं और जा रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं और जा रहे हैं। जिस ख्याल को आपने बिठा लिया अपने दिमाग में, इसका मतलब वो आपको घेरने वाला है। शैतान उन लोगों को पकड़ता है, कर जो ज्यादा चिंता में निराश होकर बैठे होते हैं। हवा ऐसे बैठी थी पेड़ के पास और ऐसे दिख रही थी, हाय कितने सारे पेड़ साटा, मतलब मैं किसी हवा की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि हवा बैठती है अपने घर के बाहर, गेट के बाहर अपनी खाट लगा के बैठती है और ऐसे बैठ जाती है, हाय दूजे तक मकान की कोठी कितनी वधिया, साढ़े तो लेंटर भी नहीं पाया हूं तक। मतलब कौन है? मसीह लोग है, मसीह लोग ऐसी बातें करते हैं। और हवा क्या कर रही, वहां बैठ कर ये देख रही थी, वो पेड़ कितना अच्छा, वो पेड़ कितना अच्छा, ये पेड़। और इसी समय शैतान आया पास में, कहता क्या बात है, बहुत चिंता कर रही है, कह रहे ले कोई नहीं तो तोड़ के खा, मौज कर, ले खा। और उसने खाया, उसने तोड़ा और खा लिया, पाप में गिर गई। इसका मतलब कह रहा कि आज उसके घर तबाह कब हुआ, कह रहा जब वो ज्यादा टेंशन में थी, जब वो ज्यादा चिंता में थी। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप चिंता में हैं तो आप अपने कामों को लेट करा रहे हैं। अगर आप आज से ये फैसला लें कि परमेश्वर मैं तो आज प्रार्थना करने का मकसद क्या है, प्रार्थना करने का मकसद ये है कि अपनी चिंताओं को परमेश्वर को दे देना, हालेलुया, आप उधार दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आज रात खत्म होने से पहले आपकी एक टेंशन जरूर मिटाएगा यीशु मसीह के नाम में। किन लोगों की चिंता खुदा दूर करता है, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, किन लोगों की दूर करता है लिखो अपनी डायरी के अंदर। नंबर एक करें जो छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। नंबर दो करें जो प्रभु में आनंदित रहते हैं। नंबर तीन करें जो फेथ के साथ एक्शन करते हैं, जो विश्वास के साथ एक्शन करते हैं। उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा कह रहे कि उन लोगों के घर कह रहे कि वो आशीषें डबल होकर आती हैं। प्रभु ने आपको आनंद करने के लिए बुलाया है। हम पढ़ते हैं फिलिप्पुस की किताब, फिलिप्पुस चौथा अध्याय 4 chapter उसका 6 में देखो क्या लिखा। यहाँ पर परमेश्वर ने आदेश दिया अपने लोगों को। हाँ हाँ पढ़ेंगे, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समक्ष उपस्थित किए जाएं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा किसी भी बात की चिंता मत करो, एक बात की चिंता नहीं करा, किसी भी बात की चिंता मत करो। करा के बस क्या काम करना है, कुछ नहीं करना। करा कुछ नहीं करना तुम्हें अगर चिंता सता रही है तो करा सिर्फ एक काम करना है, करा हर एक बात में, हर बात में करा तुम्हारे प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए, तुम्हारी विनती रुकनी नहीं चाहिए। आटा लेने जाना है तो प्रार्थना, मैं कह रहा हूँ चावल लेने जाना है तो प्रार्थना। करा के टेंशन क्या, टेंशन का बाप भी आपके सिर पर नहीं बैठ सकता, याद रखना आप आजाद है। करा धन्यवाद के साथ, आगे क्या लिखा, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास आओ। मैं फिर कह रहा हूँ क्यों लिखा वो, करा के परमेश्वर उन लोगों की टेंशन मिटाता है, करा जो अगर काम ना बन रहा हो और आप थैंक्स करना शुरू कर दो। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसी समय वो बड़ी टेंशन ले रहा था और मैं प्रचार कर रहा था यही वाला, तो उस समय उसने धन्यवाद करना शुरू कर दिया वहां पर बैठकर, क्योंकि उसकी फ्लाइट थी कोई दोहा कतर में। वो 5 lakh rupees सैलरी कमाता था और उसकी जॉब चली गई थी, उसको लेटर लिख दिया था कि हम तुझे अगर आज हमने बुलाया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, तुझे दोबारा नहीं बुलाएंगे। जैसे ही वो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आया तो प्रचार सुन रहा था, अपॉइंटमेंट लेने से पहले ही वो थैंक्स करने लगा परमेश्वर का। उसने कहा नौकरी मिले ना मिले लेकिन मैं अपने सिर पर आज टेंशन नहीं लेके जाऊंगा, हालेलुया, करा चिंता नहीं लेके जाऊंगा, अरे नौकरी मिले ना मिले करा छोड़ दूंगा दोहा कतर को। सारे बोला हालेलुया, अपने पड़ोसी को बोला छोड़ दूंगा दोवा कतर को, दूजा कतर पकड़ लूंगा, दूजा रास्ता फाड़ लेंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उसको सलाह दे रहा था और उसके बाद ही जब उसने थैंक्स करना शुरू किया, क्योंकि शैतान उसके दिमाग में बार बार डरता, ओए तू क्या खाएगा, तूने पैसा बड़ा उधार ले लिया, तेरा क्या होगा कालिया, तेरा कालिया कुछ नहीं होगा। और इसी समय उसने विश्वास किया, उसने कहा परमेश्वर थैंक्स, अगर मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। और उसके बाद ही कॉल आई उसको कहा तेरी नौकरी पर दोबारा से तुझे बुलाया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर निर्दयी परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर कोई कसाई नहीं है, परमेश्वर परमेश्वर है, हालेलुया। मैं कह रहा हूं वो उन लोगों का परमेश्वर है जो आनंदित रहना जानते हैं परमेश्वर में। बाइबल के अंदर लिखा आत्मा के 9 प्रकार के फलों में एक आनंद का फल है। कह रहा है जब आपके अंदर अगर आनंद नहीं है, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा भी आनंद, जब आप बाइबल पढ़ते हो कितने लोगों को गुस्सा आता है बाइबल पढ़ने के बाद,
प्रार्थना में से कमरे में से निकलने के बाद फास्टिंग करने के बाद कितने लोगों को गुस्सा आता है, मम्मी फटाफट चाय बना पुखिया में, क्यों उपवास में थी अभी। ऐसा उपवास रखते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, परमेश्वर उन लोगों को नोट करता है, कह रहा आपके अंदर आनंद नहीं है तो आप प्रार्थना मत करो, आपके अंदर आनंद नहीं है तो उपवास मत रखो। मैं कह रहा हूं अगर आपके अंदर आनंद है, अगर प्रार्थना करने के बाद भी आपको शांति नहीं लग रही है तो आपकी इसका मतलब प्रार्थना सुनी नहीं है परमेश्वर ने। जब तक प्रार्थना करो जब तक अपने अंदर से आपको शांति महसूस होने लगे। हालेलुया, आप समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा कि जब तक आपके अगर अंदर से महसूस हो रही है तो आनंद यहां से निकलने के बाद, अगर मेरे चर्च में एक बंदा भी ना आए अगर आनंद ही आना हो, सारे बोला हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं। कर आप यहां पर बैठे हैं और इस गेट में से निकलने के बाद, कर संडे के आज के बाद, आज ही कर रहा हूं, दो घंटे के बाद, तीन घंटे के बाद ही आपके घर एक आनंद आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके घर एक टेस्ट मनी आएगी। आमीन बोलने वालों, आप इंतजार करना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं परमेश्वर उन लोगों के घर में कभी आनंद नहीं देता, कभी टेस्टमनी नहीं बनाता। कह रहा बेशक आप 15 साल से चर्च में जाते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, चल कुछ नहीं करेगा परमेश्वर। और लोग आकर बोलते रहते हैं ये पास्टर भी फेल हो गया, ये पास्टर भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया। फेल कर लो जितने करने हैं। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, कोई फेल नहीं हुआ। आपका दिमाग फेल होता है कई बार, आपको फेल करना चाहता है शैतान कि तेरे को पता नहीं तेरा बनेगा कि नहीं बनेगा, टेंशन देता रहता है। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा बता रहा है, कह रहा दूसरा राजा 4:26 में हम देखते हैं कि कुलीन स्त्री क्या कर रही है, उसका बच्चा मर गया। उसको पहले तो बच्चा ही नहीं था। देखो कितने साल थे, मैं कह रहा हूँ कि 50 साल की होगी, 60 साल की होगी, उसके पास कोई बेटा नहीं था। और अलीशा उसके पास गया, टेंशन में थी। और अलीशा जैसे ही उसके पास गया, अलीशा ने कहा तुझे परमेश्वर बेटा देगा। और जब बेटा हुआ और उसके जब जैसे ही उसने उसको बड़ा किया, दूध पिलाया, और उसके 2 साल के बाद वो मर गया। जब बच्चा उसकी गोद में मर गया तो उसी समय एक बैड न्यूज सुनने के बाद क्या ये औरत चिंतित नहीं होगी। लेकिन जब बाइबल पढ़ते हो, इस कलाम में आप पढ़ के देखना कि ये औरत क्या कर रही थी। ये घर से निकलती है, सुबह 4 बजे उठती है, इसका पति पूछता है किधर जा रही है तू, बोलती है कहीं नहीं, मैं प्रॉफिट से मिलने के लिए जा रही हूँ। बोलती है अरे इतनी सुबह सुबह ऐसी क्या आन पड़ी, कह रही सब ठीक तो है, इसका पति पूछ रहा है। बोलती है इट इज वेल, हालेलुया, सब कुछ ओके है। और चली गई। और उसके बाद फिर रास्ते में वॉलंटियर मिलते हैं, पूछते हैं अरे क्या बात है, बोलते हैं सब कुशल से तो है। लिखा यहाँ पर अब उसे मिलने की दौड़ में, कह रहा दौड़ा जा रहा है और उससे पूछ कि तू कुशल से है कि नहीं। अलीशा ने अपने वॉलंटियर भेजे कि पूछ तू कुशल से है कि नहीं, तेरा पति भी कुशल से है कि नहीं। किसको हो रही है टेंशन? प्रॉफिट को। किसको हो रही टेंशन? इस वचन को पढ़ो, देखो क्या लिखा। प्रॉफिट चिंता में आ गया कि मेरे चर्च में अरे सवेरे सवेरे 4 बजे कौन आ गया, कौन आ गया। अरे पूछ रहे इसका पति कुशल से है, अरे इसका भाई ठीक है, इसका बच्चा ठीक है, अरे क्या बात है, अरे क्या बात है। और वो क्या कह रही है वहां पर, लड़का भी कुशल से है। पूछने पर भी स्त्री ने उत्तर दिया, कह रही हाँ सब ठीक है प्रॉफिट, कह रही जानती हूँ मेरे अंदर आनंद है, आनंद है। और उसी समय जब उसको पता लगा इसका लड़का मर गया है, और उसी समय प्रॉफिट ने उससे पूछा अरे मैं तेरे से पूछ रहा था तेरा लड़का मर गया है, लेकिन तू कह रही ठीक है, ठीक है, पति भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है, लेकिन तूने ये क्यों कहा? कह रही क्योंकि मैं जानती हूं परमेश्वर के कलाम को, उसने कहा होगा, समझ रहे कि नहीं, कि तुम मुंह से ये ना कह देना। हालेलुया, हाय मेरे हुण बच्चे दकी होएगा, हाय हुण मेरी कोख दकी होएगा, हाय मेरी उम्र दकी होएगा, हाय मेरा पति मनु की कहेगा, हाय हुण की होएगा। उसने क्या कहा, जानती थी कि मुझे अपने मुंह पर कंट्रोल करना है, मुझे चिंता नहीं करना। आपकी किडनियां खराब हो, आपके शुगर हो, आपको पथरियां हो, रसौलियां हो, लेकिन वो संसार के लोगों के सामने अपना मुंह नहीं खोलना चाहती है, वो संसार के लोगों के सामने मुंह नहीं खोलना चाहती। वो जानती है अगर आप में से कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं है, मैं अपना दुख कभी उसको नहीं बताऊंगा। ये मेरा सीक्रेट है जिंदगी का, आपको बता रहा हूँ। जब आप लोग नाटक करते हैं, कहते हैं आई एम क्रिश्चियन, मैं विश्वास में हूँ, मैं प्रार्थना में हूँ, मैं उस व्यक्ति को कभी अपना दुख नहीं बताता। मैं उस बंदे को बताऊंगा जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा, सिर्फ इतना कहूंगा आओ बैठे हम प्रार्थना करें। हालेलुया, आप समझ रहे हैं कि नहीं। इस औरत ने कहीं पर मुंह नहीं खोला, कितनी बुरी खबर मिली इसको, कितनी आपसे बड़ी टेंशन होगी इसको, किसका जवान बच्चा मर गया है, रो रही है। अरे रो हो सकता था, रोते हुए जा सकती थी, निराश हो सकती थी, यीशु को छोड़ सकती थी, यहोवा को छोड़ सकती थी, अलीशा को जाकर बेइज्जती कर सकती थी कि तेरी
प्रार्थना से भविष्यवाणी से बेटा हुआ और तेरी भविष्यवाणी करी कहां गई अब। लेकिन बेइज्जती कर इंसल्ट कर सकती थी, टेंशन कर सकती थी, लेकिन जानती थी कि मेरे मुंह के शब्द आज मेरे मुंह का सही अंगीकार मुझे जिंदा कराएगा मेरे बच्चे को यीशु मसीह के नाम में। अभी के मुंह का सही अंगीकार आपको बड़े से बड़ी पहुंच दिलाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। अभी के मुंह का सही अंगीकार आपके बिजनेस को करोड़ों रुपए में लेकर जाएगा। अभी के मुंह का सही अंगीकार आपकी एक फैक्ट्री और खुलवाएगा आज रात। आप ही के मुंह का अंगीकार आपके एक और बच्चे को विदेश देगा, जरूर फौरन देगा। आप ही के मुंह का अंगीकार आपके घर में एक और बच्चा देगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपका मुंह का अंगीकार सही है कि नहीं, इसलिए यीशु मसीह ने कहा करा मन से विश्वास करो और मुंह से सही अंगीकार कर। हालेलुया। करा आपका अंगीकार सही नहीं है। करा यहाँ पर अलीशा और उसी समय अलीशा ने उसको देखा, करा इट इज वेल, करा वेल, और उसी समय उसने परमेश्वर के सामने हाथ उठाए। उसने कहा परमेश्वर ये कह रही है सब ठीक है, लेकिन आज दुनिया को बता दे करा जो ऐसा बोलते हैं उनके लिए सब ठीक हो जाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा और अलीशा ने हाथ उठाया और उसका बच्चा जिंदा हो गया, पूरी दुनिया ने देखा। मैं कह रहा हूं कि आज कोई भी काम मरा हुआ है, लेकिन आप इंसान के सामने मत रोना, याद रखना लोगों के सामने रोने से अलावा करा कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर यीशु के सामने रोकर जाना कल सुबह आनंद आने वाला आनंद। एक टेस्टमनी आपका इंतजार कर रही है चर्च। आज आप फैसला लेने के लिए तैयार है कि नहीं? आज फैसला लो कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी किसी इंसान के सामने नहीं, मैं तेरे सामने घुटने टेकूंगा, मैं तेरे सामने मांगूंगा। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि जिन लोगों ने इस बात का फैसला लिया है परमेश्वर आज रात एक नया मिराकल करने वाला उनके घर में यीशु मसीह के नाम में। तैयार है चर्च? करें कि लेकिन यहां पर लिखा करे एक्शन करना है। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना क्यों स्वीकार नहीं होती? देखो इस औरत ने क्या किया, इसने एक्शन किया, मतलब विश्वास का एक्शन। इसने कहा मेरा पति ठीक है, मेरा बच्चा खैर ठीक है। हो सकता है आपके विचारों में आ रहा हो, आपको थोड़ा सा हार्ट में दर्द हो जाए तो उसी समय आपको प्रॉब्लम हो जाए। आपके प्रॉब्लम जब तक नहीं बाहर आएगी, आपके शरीर पर कोई प्रॉब्लम जब तक बाहर नहीं आती जब तक आप मुंह से गलत नहीं बोलते। आप समझ रहे कि नहीं? करा आपको उसी समय आपके विचारों को कैंसिल करना है। इसने एक्शन किया, इसने कहा सब कुछ ठीक है। कई बार लोग एक्शन करने के बजाय रिएक्शन करते हैं। कितने लोग एक्शन करेंगे आज से? मुझे पता है रिएक्शन करते हैं आप, जल्दी रिएक्शन भी करते हैं। यस, अभी यहां पर मेरे सामने कह देते हैं हाँ पापा ठीक है मैं निराश नहीं होऊंगा, और यहां आने के बाद फिर उसके बाद इनका चेहरा ही बता देता है, इनका फेस ही बता देता है, रिएक्शन कर रही है रिएक्शन। अभी मैं चर्च आ रहा था तो मैं शीशे में देख रहा था, एक औरत गाड़ी में से उतरी और ऐसे आ रही टेंशन में ना, ऐसे मुंह लेके आ रही हाँ चर्च आ रही हो। उसने जैसे ही मेरी गाड़ी देखी कहती प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया, हंसने लगी। हालेलुया। और मैंने देखा उसकी टेंशन भाग गई। आप समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब क्या है? कह रहे हैं कि जब कह रहे यहां पर आपने इस आनंद के अपने अंदर डाल लिया है। कितने लोग जब गाड़ी में जा रहे होते हैं और मैं हाथ हिला रहा हूं तो लोग खुश हो जाते हैं, हो जाते हैं कि नहीं? और मैं देख रहा था पिछले संडे दो पति पत्नी जा रहे थे, पति उसका हाथ पकड़ा, नहीं शादी हुई होगी ना, तो पत्नी देख रहे लड़ते जा रहे हैं। और जैसे ही मैंने ऐसे ही किया तो उसी समय वो दोनों पति पत्नी कर रहे हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा देखो यार फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ये क्या था? अभी लड़ते जा रहे थे और दोनों कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कह रहे हैं कि आप मेरे को आम इंसान मत समझें। मैं आपके सामने जो खुदा का कलाम सुना रहा हूं, मैं नहीं सुना रहा हूं, यहां पर स्वर्गदूत खड़े हैं, आपके घर आनंद देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप जब बाइबल पढ़ो इस तरीके से पढ़ो, कह रहे हैं कि मैं आज पवित्र आत्मा जी उन लोगों के, कई लोग तो बाइबल ऐसे खोलते हैं ओ, फिर खोलनी पड़ेगी, थूक लगा के। आजकल ड्राई क्लीन भी नहीं करते, मतलब नहाते भी नहीं, मुंह भी नहीं धोते हैं, थूक लगा के ड्राई क्लीन करते हैं। ठंड ज्यादा है ना, कितने लोग नहा के नहीं आए आज, चिंता में है भाई साहब, ऊपर ऊपर पाउडर लगा हुआ मुझे पता है। लेकिन कह रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे मुंह हाथ धो के आए हैं, सिर्फ मैं पक्का नहा के आया हूं। सारे बोले हालेलुया, क्योंकि संडे को मैं भूलता नहीं, क्योंकि मुझे प्रचार करना था संडे को। मैं आपके लिए बता रहा हूं, कह रहा है कुछ लोग चिंता में, निराशा में, प्रॉब्लम्स में, समस्या में, खाम खाई की चिंता पाल रखी है।
पवित्र आत्मा करे इनको बता कौन हो तुम। अरे करा छोटी बात नहीं है, तुम परमेश्वर की संतान हो, अब्राहम की संतान हो तुम, इसराइल के अंदर करा इसराइली जब जंगल में थे 40 साल करा जंगल में रहे, लेकिन वो बोलते थे हम अब्राहम की संतान है, और परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना गिराता था, मन्ना रोटियां नहीं थी, गरम गरम रोटियां पोकर ऊपर से नीचे डालता था। अरे तुम्हारा बाप रोटियां पोकर डाल रहा है, तुम्हारे लिए इतना प्यार करता तुमसे, करा उनके कपड़े तन पर से फटे नहीं, करा 40 साल अगर 4 साल का बच्चा था 40 साल का हो गया, 40 साल में उसका कपड़ा भी बढ़ता चला गया, उसका साइज भी बढ़ता चला गया, उसकी चप्पल की साइज भी बढ़ती चली गई। मैं कह रहा हूँ एक तन पर एक कपड़ा नहीं फटने दिया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है ये मेरी संतान है। याद रखना आपका एक भी बैंक बैलेंस फटेगा नहीं आज, आपकी एक भी आशीष फटेगी नहीं आज, आपके तन का कपड़ा फटेगा नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई आशीष नहीं फटेगी अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं, एक्शन करते हैं। आज एक्शन करो, आज बोलो आमीन। किसकी संतान हो आप? परमेश्वर की संतान है हम, अब्राहम की संतान है कि नहीं? अगर आपको विश्वास है कि मैं अब्राहम की संतान हूँ, परमेश्वर की संतान हूँ, मैं यीशु का बेटा बेटिया हूँ, तो आपको विश्वास करना है, करें कि वो मन्ना गिराएगा आपके घर जाने से पहले, वो एक आशीष वाला मन्ना गिराएगा, जिस बात के लिए आप टेंशन में, गवर्नमेंट जॉब का मन्ना गिरेगा, मैं कह रहा हूँ चंगाई का मन्ना गिरेगा आज रात। करा आप जंगल में घूम रहे हैं, हो सकता है आप इस संसार में घूम रहे हैं, आप चिंताओं को लेकर घूम रहे हैं, मैं करा आपके बच्चे की रिश्ता आज रात आपके घर आएगा, एक मन्ना गिरेगा, मैं करा एक कॉलिंग आएगी स्वर्ग से आपके काम बना कर जाएगी, जो प्लाट अब तक निभा होगा, जो मकान नहीं खरीदा होगा, मैं करा जो रजिस्ट्री नहीं हुई, जो कोर्ट केस चल रहा है, आजाद हो गया आज रात यीशु मसीह के नाम में, तैयार हो गए नहीं आजाद होने के लिए। लेकिन लिखा मरकुस के 11:24 में, बस प्रतीति करके प्रतीति कर लेना कि तुम्हारे लिए हो चुका है। मरकुस 11:24 में लिखा प्रतीति कर लेना, बस करा लिखा प्रतीति कर लेना प्रार्थना करने के बाद कि जो मैंने मांगा मिल गया है। हालेलुया, हाथ उठाकर एक फटाफट, ज्यादा कच्चा लालच नहीं करना, एक चीज मांगो फटाफट, फटाफट मांगो, बस बोलो यस, मांग लिया कि नहीं? कई लोगों को पता ही लगा क्या मांगना था, लेकिन आपने आपने हाथ किया, परमेश्वर ने वो रसगुल्ले आपकी आशीष हुई, वो आशीष खोल दिए। सुना ध्यान से, दो आदमी थे, उनके ऊपर बड़ा कर्जा था, उन्होंने बैंक से लोन लिया, दोनों विश्वासी थे, और उनके ऊपर जब 60 लाख रुपए का कर्जा हो गया, तो उसी समय प्रार्थना करने के लिए गए चर्च में। जब प्रार्थना कर रहा था, एक बंदा प्रार्थना कर रहा है, एक विश्वासी, और प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मेरा कर्जा उतार दे, परमेश्वर थैंक यू जीसस, ये लोन उतारना मैंने बैंक का, मैं क्या करूं परमेश्वर मदद कर। और उसी समय उस लड़के ने बाहर निकलने के बाद टेंशन करना शुरू कर दिया, बोला हाय मेरे बच्चे की खानगे हूं, मेरा की होएगा, मेरे तो इतना कर्जा इतना कर्जा। दूसरे लड़के ने भी प्रार्थना किया, दूसरे लड़के ने कहा परमेश्वर जो मैंने मांगा मुझे मिल गया है, जो मैं कमरे में बैठकर प्रार्थना करके आया हूं मुझे मिल गया है। शैतान देख रहा था, अगर आप ये कमरे में से बाहर